नमस्कार, स्वागत है हमारी नीरकुम ब्लॉग पर। और आप सब लोग कैसे हो? आशा करते सब आप लोग ठीक होंगे, जैसे हम लोग ठीक है, मस्त है। और आज फिर से हमारे एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कार से। बहुत ही लंबा टूर है और ये जो टूर है हमारा काफी लंबा है, क्योंकि हमारे ब्लॉग पे बने रहिए, आपको हम काफ़ी अच्छा अच्छा सीन दिखाएंगे। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी जगह जा रहे हैं, हमारी जो यात्रा शुरू हो रही है कहाँ के लिए बताओ चो? चमोली डिस्ट्रिक्ट गोचर जा रहे हैं हम लोग। गोचर से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ, और हम आपको बद्रीनाथ के भी दर्शन कराएंगे, गोचर शहर भी दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। तो हम लोग जो गोचर जा रहे हैं अपनी मौसी के वहाँ जा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे मौसी का बेटा जा रहा है, ये देखिए, जो हमको अपने घर ले जाएगा गोचर। हाँ, गोचर रास्ता यही बताएगा। बिल्कुल, ये खड़ी है जो हमारे भैया की है, हम साथ में हमारे भैया जा रहे हैं, वो रहे भैया की फैमिली, भैया भाभी और दो बच्चे हैं उनके। फिर हम लोग सब लोग कार के अंदर बैठ चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जो है ये गोचर चमोली डिस्ट्रिक्ट जो जा रहे हैं, ये रही हमारी ये कार भैया भाभी की। मतलब एक रानीखेत से होते हुए जाते हैं, तो अभी क्या है वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो रही होगी, बहुत ट्रैफिक होगा, तो रामनगर से होते हुए हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कम भीड़ मिलेगी, इतना रस नहीं मिलेगा। यहाँ रामनगर जाने का रास्ता जो शहर की तरफ जाता है, और ये जाता है, और ये जो है हम लोग जैसे गर्जिया मंदिर जा रहे हैं, बाईपास है ये, टीढ़ी गढ़वाल जा रहे हैं, तो हम इधर से जा रहे हैं। हम रामनगर पहुंच गए हैं। रामनगर का ये कोसी वाली नदी का डैम है, कोसी नदी आ सामने वाला गेट। यहाँ सफारी गाड़ी सब खड़ी है, सफारी गाड़ी मिल जाएगी। मम्मी की अब उल्टी आ गई, इतना सारा खाना तो खाया है, तो आई गई मम्मी की उल्टी आखिरकार। और मैडम को यहाँ उल्टी आ गई, उल्टी कराने के लिए रुकना पड़ा यहाँ पर। ये हो गई उल्टी, सही हो गई है? हो गई, अब तो नहीं करेगी, क्या पता। देखो भैया पहाड़ में ऐसे ऐसे भी हो जाता है। हम डड्डू पे चढ़े हैं, हम संदूक के ऊपर आ गए हैं गाइस, और देख सकते हैं कितना अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, पहाड़ों का व्यू देखो, बहुत सारे पहाड़ है। हाँ बताओ मैडम, क्या हुआ? मैं कह रही हूँ कि जब गाड़ी में बैठे हैं ना, तब चक्कर आ रहे हैं, तब उल्टी आने को जैसे हो रही है, पर हो नहीं रही है, पर खुल के नहीं आ रही है बिल्कुल। अच्छा, खलखलौटी सी ना आ रही है। हम कहाँ पहुँच गए? हम हमें क्या पता है, यहाँ कहाँ पहुँच गए? हम चौखटिया पहुँचने वाले हैं। चौखटिया पहुँच गए, देखो चौखटिया का ये व्यू पहुँचने वाले हैं। बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा बहुत लग रहा है यहाँ पर, पसीना तो देखो कैसे सो रहा है। और यहाँ पर कहाँ बंदर बैठा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि पहाड़ों में ट्रैक्टर भी थे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जगह का नाम क्या है,
चकुटिया से, चकुटिया जगह है ये। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ इतने सारे खेत हैं, बिल्कुल प्लेन्स जैसे कि हमारे वहाँ प्लेन में होता है उसी तरीके से, मतलब दूर दूर तक पहाड़ है और बाकी ऐसा प्लेन एरिया है जहाँ खेत हैं और यहाँ खेती की जाती है। यहाँ सब लोगों ने खेतों पे अपने मतलब धान के बीज डाल रखे हैं और जो बरसातों पे लगाए जाएंगे। तो ये जो चकुटिया है ये भी काफ़ी खूबसूरत है अपने में, क्योंकि यहाँ पे खेत है, हरियाली है और यहाँ ट्रैक्टर भी है। मेन बात देखिए, यहाँ ट्रैक्टर, काफ़ी ट्रैक्टर देखने को मिले। पीछे हमारे भैया की गाड़ी आ रही है, देखिए आपको धनुष। अरे ये देखिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर है, देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर। ये था चकुटिया, जो अब हम चकुटिया हमने पार कर दिया है, निकल चुके हैं हम चकुटिया से। अब चकुटिया से गोचर जो है वो कितने किलोमीटर, अब और कितना है, कितने घंटे, मतलब 3 घंटे मान के चलो। अरे भैया जी आगे तो बढ़ने रहो, हमें जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम भी बढ़ सकते। और बहुत सारे मोड़ आ रहे हैं दोस्तों। अब पहुंच गए कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में देखो कितने प्यारे प्यारे बिल्डिंग है, कितने सारे खूबसूरत घर है, देख के ही मजा आ जा रहा है। और यहाँ पर खूबसूरती का नजारा है ना, ये मेन बाजार है कर्णप्रयाग की। फाइनली हम लोग गौचर पहुँच चुके हैं। व्यू और सौम्या हमें लेने के लिए आई है, ये देखो। तो फाइनली हम लोग गौचर पहुंच चुके हैं और पहुंचने में पूरे हमें 12 घंटे लग ही गए। और देखिए काफ़ी खूबसूरत है ये गौचर। गौचर जो है पूरा अपनी स्वच्छता और सुंदरता के नाम से जाना जाता है। बाकी मैं कल सुबह को दिखाती हूँ, हमें पहुंचने में काफ़ी रात हो चुकी है। तो फाइनली हम लोग गौचर पहुंच चुके हैं अपने मौसी के रूम में और हम सब लोग आए, भैया भाभी। और टाइम देखो, जो ये टाइम हो रहा है ना, बिल्कुल इसी टाइम पर हम 8:30 बजे निकले थे और उतने ही टाइम पे पहुंचे, पूरे 12 घंटे। और उस 12 घंटे में शकल के भी 12 बजे मेकअप वेकअप सब गई। नमस्ते। और बच्चे देखो खेलना शुरू खेल रहे हैं, हम लोग इतने हाइट पे आ चुके हैं ना, मतलब 12 घंटे का सफर से आप अंदाजा लगा लो कितना दूर और कितनी हाइट पे होगा, फिर भी यहाँ पे इतना गर्म हो रहा है ना। लग रहा कुछ ठंडा, हाँ चलो। ये रही हमारी छोटी छोटी बहनें और ये है मौसी का एक रूम। ये रही हमारी मौसी जिनके घर हम लोग आए हैं। अगर किसी ने हमारा ब्लॉग देखा होगा तो पहले भी देखा होगा हमारी मौसी को, जो पहले काठगोदाम में थी और अब इतने दूर गौचर में है। हमारी तो हालत खराब हो गई मौसी, आप कैसे आते हो? वही तो कह रही हूँ कि पूरे मतलब 8:30 बजे हम लोग चले थे, 8:30 से 8:30 बजे पूरे 12 घंटे। और उसके बाद कह रही 12 घंटे से हमारे शकल के भी 12 बज गए। तो पहाड़ों में आप लोगों को ये बुरास का जूस पीने को मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल। मौसा जी कहाँ है मौसी? अच्छा ठीक है, मौसा जी का इंतजार करते हैं, काफी फोन कर करके पूछ रहे थे। ये रहा मौसी का रूम, बाथरूम है, एक किचन है, मौसी खाना बना रही है। ये है वही हमारी मौसी जो हमने अपने पापा को गिफ्ट में दी थी रिटायरमेंट में। पर गिफ्ट में तो दिया था, पर आप यहाँ रहती हो, बताओ हमारा गिफ्ट तो। अच्छा अब ये यहाँ आ गई हम दूसरे मौसा जी के पास। चलिए क्या क्या बना रहे मौसी? मैं बना रही हूँ मटर पनीर। वाओ। और भिंडी की सब्जी। वाओ। देखिए हमारे आने के उपलक्ष्य पे हमारी मौसी जी कितने अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं, सारी तैयारी कर रखी है, मटर पनीर, आलू की सब्जी। चलिए फिर, थैंक यू मौसी। और इधर देखिए बाहर आते ही काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये बाहर मौसी के खेत हैं, काफ़ी मैं तो अब यहाँ से काफ़ी कटिंग लेके जाने वाली हूँ, रोज़ इसकी काफ़ी कटिंग लूँगी, काफ़ी अच्छी क्यारियाँ हैं ये। और जो मेरे वहाँ गार्डन में आप लोगों ने अभी तक स्ट्रॉबेरी देखी थी वो मेरे मौसी के वहाँ की थी, मौसी मुझे पेड़ दे गई थी तो काफ़ी स्ट्रॉबेरी हुई थी ठंडियों में, गर्मी में तक भी स्ट्रॉबेरी होती थी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग चमोली गोचर पहुंच चुके हैं और हमारी शकल के देख रहे पूरे 12 बज गए। इतना लंबा सफ़र, इतना थकान भरा सफ़र था। तो अब इतनी रात हो चुकी है, बाकी चलो मिलते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हमें बद्रीनाथ जाना है, निकलना है। तो मिलते हैं सुबह
और वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। तो हमारा इंतज़ार करना सुबह के लिए, ठीक है।